हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको लेके आए यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 22, और सेक्टर 22 में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन की आबादी की जो लैंड है, जो लाल डोरे की आबादी की लैंड बची हुई होती है, फ्री होल्ड लैंड, वो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे कि किस तरह की रोड पर लगी हुई है, पास में अगर आप देखें तो जो सेक्टर 22 में प्रोजेक्ट हैं वो किस किस तरीके के प्रोजेक्ट हैं। एक यूनिवर्सिटी की भी बाउंड्री है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जो सामने यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बाउंड्री हो रही है। और ये रोनिजा गांव है जो सेक्टर 22 में आता है, इसी में एक 800 गज के आसपास एक फ्री होल्ड लैंड है जो सेल के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल साफ़ सुथरी लैंड है और चारों तरफ से उसकी बाउंड्री हो रखी है। और सबसे अच्छी बात है कि एक साइड में बाउंड्री है, फिर रोड है, और उसके रोड के बाद जो है आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो है लैंड है उसकी बाउंड्री हो रखी है। यानी कि आने वाले टाइम में यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो बनेगी। और साइड में आप देखेंगे तो हॉस्पिटल का है, रोनिजा की साइड में जिधर यमुना एक्सप्रेसवे है उधर हॉस्पिटल का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो लैंड की किस तरीके से लैंड है। तो आप देखेंगे ये बाउंड्री हो रखी है लैंड की चारों तरफ से, ये उधर वो रास्ता है सामने जिधर ये इस तरीके से इसकी बाउंड्री हो रखी है, ये चारों तरफ से काफ़ी अच्छा फ्रंट है और गहराई भी उसी के हिसाब से है। ये इस तरीके से ये दो भाइयों की थी, एक भाई ने सेल कर दी है, बगल वाली वो उधर वाली जो है ये सामने जो आपको दिख रही है वो वाला हिस्सा सेल हो गया, ये हिस्सा जो है अभी बचा हुआ है। तो ये सेल के लिए अवेलेबल है अभी। इधर आप सामने देखें तो गांव वालों के मकान बने हुए हैं, ये देखेंगे तो मकान बने हुए हैं बाकायदा। उधर आप देखें तो ये इधर गाँव है, मंदिर है साइड में ही, सामने देख पाएंगे मंदिर है, इधर गाँव के लोग जो है वो रहते हैं। तो ये लैंड जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी बात करें लैंड की टोटल तो ये 800 गज के आसपास लैंड है और सेक्टर 22 में ये आती है रोनिजा विलेज में। तो ये सेल के लिए अवेलेबल है, आप इस तरीके से देखेंगे ये इस तरीके से पूरा बाउंड्री है, बगल वाली बाउंड्री जो है वो सेल हो गई है। ये रास्ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा रास्ता है जो सामने है, आप देखेंगे ये सीधा आपको यमुना एक्सप्रेसवे की साइड ही लेके चला जाता है। इधर आप गांव में चले जाएंगे, ये गांव का रास्ता है। काफ़ी 18 कम से कम आप देखें तो 12 मीटर के आसपास का जो है वो रास्ता आपको देखने के लिए मिलेगा जो बाउंड्री के सामने है, ये आप देखेंगे। और इसी तरीके से इधर रास्ता है, बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, जो बाउंड्री हो रखी है यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा आगे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसके सामने यहाँ से भी थोड़ा सा आप देख पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक साइड में ये बाउंड्री जो दिख रही है ये सामने, ये जो बाउंड्री हो रखी है ये बाउंड्री जो है ये यूनिवर्सिटी के सामने यूनिवर्सिटी की लैंड है, जहाँ पे ये जो बाउंड्री हो रखी है ये यूनिवर्सिटी के लिए प्रपोज्ड लैंड जो है। यहाँ पर आने वाले टाइम में अभी यूनिवर्सिटी का काम जो है स्टार्ट होगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। थोड़ा आगे चल के भी मैं आपको क्लियर जो है वो दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे ये रोनिजा विलेज से ही लगी रोड के दूसरी साइड वो ज़मीन हो गई, और एक साइड में ये बाउंड्री जो हो रखी है ये यूनिवर्सिटी की लैंड है जो यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन की लैंड है, आप आने वाले टाइम में कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, PG वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, कुछ भी आप बना सकते हैं कॉमर्शियल, किसी तरीके से भी आप इस लैंड को यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन की लैंड है और कम रेट में आज सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप इस तरह की लैंड लेते हैं तो आने वाले टाइम में रेट भी बढ़ेगा, और आप आगे फ्यूचर में सेल करें या आप बचा के रखें तो बहुत अच्छा जो है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। तो आप देखें, अगर विजिट करें एक बार आके सेक्टर 22 में इस लैंड पर, अगर इसमें आपको अच्छी लगती है तो। बाकी की जानकारी रेट वगैरह के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं सेम नंबर पे, अगर रेट वगैरह आप जानना चाहते हैं। रेट जो है वो मैं इतना बता देता हूँ कि आज के टाइम पे काफ़ी कम रेट है, बाकी आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।